गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बीए फर्स्ट ईयर में देखेंगे भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख है मतलब लक्षण, मतलब कि लक्षण भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं। मतलब कि एक हेडिंग को आपसे प्रश्न है कई तरीके से पूछा जाता है, इसी प्रश्न को ले सकते हैं भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति विशेषताओं। तो कहोगे हम तो पढ़ा था लक्षण, आपको पूछा विशेषताएं, थोड़ी ध्यान है आपके आ सकते हैं आपके लिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है तीन गुणों के बारे में बताना। तो कहोगे हम तो पढ़े थे लक्षण, जैसे गुण तो पढ़े नहीं थे हमने, इन्हीं को भी हम लक्षण कहते हैं, इन्हीं को भी हम गुण कहते हैं, जिनको भी विशेषताएं भी कहते हैं। तो इससे पहले हमने आपके लिए आर्थिक प्रणाली में से पूंजीवादी बता दिया था, मिश्रित मतलब समाजवाद बता दिया था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था ही बता दी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की आज हम बताएंगे आपके लिए जो विशेषता लक्षण है कि हमें क्या उसके लक्षण मतलब कैसे समझ सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इनकी विशेषता है, इनकी ये गुण है, ताकि हम समझ सके कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को जान सकते। मतलब कि आपसे पूछे पूंजीवादी में क्या आता है, हमने बताया था आपके लिए पूंजीवादी में निजी संपत्ति का दायरा होता है। किसका होता है? निजी संपत्ति, निजी कंपनियों का होता है, निजी व्यापार का होता है, जितने भी चीजें होती है वो निजी, उसका मालिक स्वयं एक निजी होता है। और बताता है इसके बाद आती है जो उसमें जो परिवर्तन किए जाते हैं वो निजी मालिक के द्वारा किए जाते हैं। और इसके बाद जो समाजवाद आता है, समाजवाद होता है सभी लोगों को इस लेकर एक समिति बनाई जाती है, उसका एक अध्यक्ष होता है, जैसे कि मन की सरकार होती है, जैसे लोकतंत्र है बनका लोगों से बना हुआ था, उसे को क्या बोलते हैं समाजवाद बोलते हैं। और समाजवाद में परिवर्तन किए जाते हैं तो समाज को देखकर के परिवर्तन किए जाते हैं, ना कि एक निजी संपत्ति की तरह। मतलब कि निजी पूंजीवाद में परिवर्तन स्वयं होते हैं, समाजवाद में सबके लिए देख करके किए जाते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों को मिलाकर करते हैं, उसमें पूंजीवादी आ जाती है और समाजवाद भी आ जाता है, दोनों को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया जाता है। अपन देखते हैं आज भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन सी है, जिसमें फर्स्ट लक्षण आता है अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र। मतलब कि इसकी फर्स्ट विशेषता क्या है, किसके चार क्षेत्र है, किसकी है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पहला क्षेत्र है अपना सार्वजनिक क्षेत्र, आप जानते हो सार्वजनिक का मतलब होता है सभी जगह, क्या होता है क्षेत्र लिखा है मतलब एरिया कोई भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट का, शहर का, ग्राम का, कोई भी एरिया हो सकता है। तो क्या सबसे फर्स्ट उसमें क्या है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चला है सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे कि नगर पालिका है, नगर निगम है, मतलब कितने क्षेत्र बने, तो सभी क्षेत्रों से क्या होती है कहाँ कहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था आय होती है और कहाँ इनका व्यय होता है। इससे पहले हमने आपको लोक वित्त पढ़ा दिया था, जिसको बोलते हैं फाइनेंस, क्या होते हैं पब्लिक फाइनेंस, मेरी बात आती है पब्लिक फाइनेंस में आती है सार्वजनिक क्षेत्र वाले निजी होते हैं। दूसरा एक आता है निजी क्षेत्र। अब इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या कहा था मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो चीजों को पूंजीवादी प्लस समाजवाद को मिला के रखा है, तो उसमें पर वो ये भी आएगा वो निजी भी आएगा, ये सार्वजनिक मतलब समाजवाद हो गया, निजी मतलब की पूंजीवाद हो गया। तो मतलब निजी क्षेत्र में हमने देखा फिलहाल जिले में कुछ सार्वजनिक लोग भी हैं और कुछ निजी कंपनियां भी हैं, कौन सी है निजी भी है, तो इसमें क्या बनता व्यवस्था में आया बनता, क्योंकि वे भी अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो निजी है, और सर्वे भी कर रहे हैं जो सार्वजनिक है, तो क्या बन गया क्षेत्र में आता है निजी क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था में क्या जोड़ता है बनता निजी क्षेत्र, क्योंकि हमने दोनों को मिलाकर के मिश्रित बना दिया था पूंजीवाद और समाजवाद को कंबाइन करके बनाया था, उसमें दोनों शब्द आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तीसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र सह निजी क्षेत्र, सार्वजनिक सह सह मतलब होता है क्या सह, आपने हिंदी पढ़ा होगा सह विभक्ति है, इसमें सह मतलब होता है साथ, क्या होता है सह मतलब होता है साथ, मतलब की निजी और सार्वजनिक दोनों एक साथ इकट्ठे हुए काम करते हैं। जैसे आपने रियल एस्टेट कंपनी देखी होगी, उसमें 20 लोगों को इकट्ठा करके एक मालिक का करता है, मालिक का होगा निजी, तो कंपनी क्या कर रही है सभी लोगों को पैसा इकट्ठा करके वो करती है, तो मतलब समाजवाद भी प्लस पूंजीवादी उसमें, तो क्या है सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र। दूसरा काम करता उसमें लास्ट में आता है सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके उसमें कर दो सहकारी क्षेत्र बन जाते हैं, क्या आता है सरकारी क्षेत्र, सहकारी योजनाएं होती हैं, सहकारी क्षेत्र में सहकारी कार्य होते हैं, कितने कार्य होते हैं अपने से जितनी योजना चलाई जाती है वो सब किससे आती है सहकारी क्षेत्र, किससे आती है सरकारी, स्कूल से बांटते हैं, स्कूल से गवर्नमेंट कुछ बांट देती है, लेकिन अपने भारत देश में कुछ ऐसे भी करोड़पति आदमी है वे कहते हैं गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप हर 21 साल की स्कॉलरशिप हमारी तरफ से बांटी जाएगी, बांट रहे हैं उनका नाम हमें ध्यान नहीं, लेकिन आपको बता दिया जाएगा कि कौन व्यक्ति बांट रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप, जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए कोई और बांट रहा है, 12 से ऊपर तक कोई और व्यक्ति बांट रहा है, और इसमें पार्टिसिपेट बीटीसी वाले हैं उसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। तो क्या इस सब आदमी कैसे बनेगी सहकारी क्षेत्र,
दूसरा फर्स्ट समझ हमने इससे कहा सर्व क्षेत्र में क्या बन गई समाजवाद, किसमें बन गई पूंजीवाद, किसमें दोनों को मिला दिया, किसमें मिला दिया अपन ने दोनों को मिला दिया, किसमें मिला सीमित आम घटना करके सहकारी क्षेत्र को निर्माण कर दिया। आगे आते हैं प्रजातांत्रिक, हमने आपको बताया कि मेरा भारत देश प्रजातांत्रिक था, अब क्या समझ गया अपन का लोकतंत्र गणतंत्र, लोकतंत्र मतलब जो लोगों से बना हुआ, क्या कहते हैं लोगों की सहमति से जिसको बनाया जाता है लोकतंत्र कहलाता है। मैं इस बात क्या कह रहा हूँ प्रजातांत्रिक आर्थिक नियोजन, किसके लिए प्रजातांत्रिक आर्थिक नियोजन, प्रजा मतलब क्या होगी जनता, हमें जनता की भलाई करनी है, इसी करते हमें जनता की भलाई करनी है, लोकतंत्र की उसे बोलते हैं प्रजातंत्र। लेकिन उस समय प्रजातंत्र कैसा था कि लोगों के लिए अमीर अमीर थे गरीब गरीब थे, तो अमीर अमीरों ने अलग प्रजातंत्र बना लिया था, गरीब गरीबों ने प्रजातंत्र बना लिया था। लेकिन इस समय क्या है अपने लिए प्रजातांत्रिक आर्थिक नियोजन, जो व्यक्ति ज्यादा अमीर है उन अमीरों को इकट्ठ करके सब लोगों के पास पैसा बांटना आर्थिक नियोजन है। नियोजन मतलब क्या होता है रोकना, क्या होता है रोकना, ज्यादा नहीं लोगों को ज्यादा नहीं पड़ेगा, लोगों के क्या है जो नीचे से व्यक्ति पीछे जा रहा है उसको भी साथ लेकर नहीं ऊपर चले, तो दोनों व्यक्ति क्या करने पड़ेगी साथ लेना। अब प्रजातांत्रिक जनता का आर्थिक नियोजन है, प्रजातांत्रिक नियोजन। तीसरा है नियंत्रित बाजार यंत्र एवं प्रतिस्पर्धा, नियंत्रित हम क्या कर रहे हैं नियंत्रित रोक लगा रहे हैं, बाजार यंत्र कौन सी आती है बाजार यंत्र, बाजार यंत्र। अपने भारत देश में आपको मालूम होगा कितनी जनता है, मान लिया 1000 जनता, माना कि सपोज डेट 1000 जनता, अब 1000 जनता के पास मान ली जाए कम से कम 900 लोगों के पास बाइक होगी, क्या होगी बनगी बाइक, बाइक उसमें से कितनी बाकी बनगी 100 लोगों के पास बाइक होगी। तो इसी प्रकार से जो नियंत्रित बाजार यंत्र है अपने, अगर एक मार्केट से एक व्यक्ति जा रहा है और चार पहिए गाड़ी, एक व्यक्ति उसमें बैठा है और चार पहिए तो 8 लोगों रास्ता उधर के जा रहा है, क्या कहता है 8 लोगों के, वो क्या करता है निजी क्षेत्र। लेकिन हमें क्या करना है नियंत्रित बाजार यंत्र, यंत्र जो कई प्रकार की चीजें हैं, नशीले पदार्थ क्या है नशीले पदार्थ, शराब ये क्या है बाजार को दूषित करते हैं, तो हमें समाजवादी साथ इकट्ठा करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है प्रतिस्पर्धा, हमें क्या करने पर लिए रोकना है, इन पे पर्दा करनी है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय गुटका है लोग अपना खाते हैं लेकिन रोक पाए इसके लिए नहीं, लेकिन इस पे क्या करना पड़ेगा प्रतिस्पर्धा रोकना है, किसके जरिए करेंगे हम निजी का धंधा है मेरा धंधा है हम तो बेचेंगे हमारे, लेकिन हम जब लोकतंत्र इकट्ठे होकर करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रतिस्पर्धा उस पर लग जाएगी, मतलब नियंत्रित हो जाएगा बाजार के जो हमारे यंत्र है कमाने के पैसे सोर्सेस है हम उन पे क्या करेंगे प्रतिस्पर्धा लगाएंगे, जो कौन सी है गलत, कौन सी है गलत, जीवन की वजह से गलत कौन सी है, तो नियंत्रित बाजार यंत्र एवं प्रतिस्पर्धा। नंबर 4 आता है आर्थिक नियंत्रणों में अर्थव्यवस्था का संचालन, आर्थिक नियंत्रणों में अर्थव्यवस्था का संचालन, जो आते हैं हमारे पास पैसा कहाँ से आता है उन पैसों पर जो नियंत्रण लगा हुआ है उन पर क्या करें अर्थव्यवस्था से संचालन करें, कैसे करेंगे आपने देखा होगा गांव में हॉस्पिटल बनाए जाते हैं सरकार बनाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं गवर्नमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं गाँव में देखा होगा आप लोगों ने वहाँ गाँव में साफ सफाई नहीं रहती है, लोग गाय जैसे माना करते हैं या कोई सफाई करती है, जहाँ से लोगों को सुधारना था आर्थिक नियंत्रणों में क्या होगा अर्थव्यवस्था का संचालन, वहां तक कैसे पहुंचाने का क्या करना चाहिए सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। आपने देखा होगा आप लोग पढ़ते थे जूनियर स्कूल में तो उसके आसपास कहीं ना कहीं हॉस्पिटल छोटे बनाए रहते थे बने रहते थे, अभी बने हैं पर देखने के लिए वो नहीं कह रहे बन के सही आर्थिक आर्थिक नियंत्रणों में अर्थव्यवस्था का संचालन, हमें पैसे को वहां तक पहुंचाना है और लोगों को उन्हें वहां पर सुविधा देनी है, जैसे कि हम क्या करते हैं आपने देखा NSS का कैंप लगाते हैं लोगों को वहां पर शिक्षित करने के लिए लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग इस तरीके से रहेंगे, लेकिन लोगों को समझता है लेकिन लोग आते हैं घूम के चक्कर लगा के चले जाते हैं, वो क्या ऐसा हम नहीं है क्या है बनका आर्थिक नियंत्रणों में अर्थव्यवस्था का संचालन, जैसे कि लोगों के लिए पैसे दिए जाते हैं रोजगार के पैसे दिए जाते हैं वो क्या संचालन कहलाता है। दूसरा आता है पांचवा आता है संयुक्त क्षेत्र का विकास, एक क्षेत्र का नहीं संयुक्त क्षेत्र, हम मान लिया हम एक लाइफ को जिले को ले लें तो उस ललितपुर जिले का करेंगे, लेकिन जिले में तो गांव भी आते हैं बनती है तो ललितपुर जिले का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन संयुक्त मतलब कि हम गांव को भी इकट्ठा करें, इसके लिए करेंगे गांव को भी इकट्ठा करके उसका विकास करें, वो क्या कहने बनता संयुक्त क्षेत्र का विकास, हमें सब एरिया को देखते रहते विकास करना है कहाँ मतलब विकास रुका हुआ है कहाँ
विकास, जहां का बढ़ रहा है वहां बढ़ने दो, जहां का नहीं बढ़ रहा है वहां हमको देखना है। आपके लिए अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं मतलब के लिए कुछ भी, जैसे कि गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए व्यवस्था है, कैंप लगाने हैं, कैंप लगाकर लोगों को समझाना है, यही काम होते हैं। इसके लिए मिश्रित निजी क्षेत्र आपने देखा होगा, निजी क्षेत्र कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इस काम को लिए करिए आप आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप कर लेंगे तो हमारा धंधा क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के लिए बताते हैं, ना कि निजी क्षेत्र। हमने निजी क्षेत्र को क्यों लिया था, इसमें इसलिए निजी क्षेत्र को लिया था ताकि अपनी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी आ जाती है, तो निजी क्षेत्र से पैसा हमारे पास आ जाता है, कठोर पैसा उनके पास। इसलिए क्या करते हैं, ये थी अपने क्या भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण, गुण और विशेषता। इसी के दायरे में सब कुछ पूछा जाता है और अपनी